जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका है। 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास है आपके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपके 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री प्लान में। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, फिर आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी एंड व्यापम, फिर आपके लिए यहाँ पर रेफरल कोड आपसे पूछा जाता है, तो आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। फिर इसके बाद हम आपके लिए बता दें कि दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, यहाँ पर 2020 से प्री के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का मेगा प्री एमसीक्यू फेस्टिवल है आपका, जो है 23 जनवरी से 27 जनवरी ताकि इसमें होंगे आपके दिन में 50 से भी ज्यादा लाइव सेशन और एमपी के टॉप एजुकेटर के द्वारा इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा एमपीपीएससी प्री एंड अदर एमपी एग्जाम के लिए। और यहां पर दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी तैयारी के लिए, तो आज ही आप इसको एनरोल करें। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर अपनी जो है तैयारी को मजबूत करने के लिए, अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर अनअकैडमी लाया है आपके लिए मॉक टेस्ट, जिसमें यहाँ पर टॉप 3 विनर्स के लिए यहां पर अनअकैडमी के द्वारा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। इसके बाद आपके लिए हम बता दें अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जरूरत से भी ज्यादा आपके लिए परफेक्ट है। यहां पर अनअकैडमी के साथ आप अपनी तैयारी मनपसंद बैच को ज्वाइन करके कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये सारे जो बैच हैं, यह आपके कुछ बैच जो हैं स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाले ही हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर हम आपके लिए बता दें, जो भी प्री 2020 क्लियर करना चाहता है तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको एक रिवीजन बैच में होंगे लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में आपके यहाँ पर लाइव एमसीक्यू रिवीजन होंगे, यहाँ पर रात में होंगे। और इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो बैच है इसमें होंगे आपके डेली सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन, और इन दोनों बैच में आपको 20 से भी ज्यादा फुल मॉक टेस्ट यहां पर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी यहां पर आपके लिए मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है, तो सबसे कम जो जल अवशोषित करती है वह कौन सी मृदा है, मिट्टी है, वह बताने आपके लिए। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट आज का, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, यानी कि बालू आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो तारपीन के तेल का शुद्धिकरण किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताना है क्या होगा। 2 का सही आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 यानी कि भाप आसमान द्वारा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्न तत्वों में विद्युतीय ऋणता का सही बढ़ता क्रम बताना है, तो सही बढ़ता क्रम बताना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, और 3 का जो सही आंसर है वह आपका क्या है राइट आंसर, तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है। जो एक जो वाला निशान होता है से छोटा बोलते हैं इसको, से छोटा, तो यहाँ पर यह विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर, PSNO यह जो है राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर, दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खोएंगे, इनमें से कोई नहीं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, एक खोएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चार विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार राइट आंसर है, एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देख ले, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है, तो घर्षण बल सीधे समानुपाती होता है भार, क्षेत्रफल, गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर या आकार पर। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर पांच है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर पांच, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका तीन, यानी कि गतिमान वस्तु के इन सभी कारकों पर, विकल्प नंबर तीन यहां पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर तीन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, पराग कण उत्पन्न होते हैं, तो पराग कण जो है यह उत्पन्न होते हैं तो क्या है, इसका सही आंसर आपके लिए बताना है, किसमें होते हैं उत्पन्न पराग कण, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर छह, और छह का सही आंसर बताना है तो वर्तिकाग्र में या पुतंतु में, वर्तिका में या परागकोश में, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, परागकोश में, विकल्प नंबर चार यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई लोहे की कीलों को एकत्रित करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह है, तो वह क्या है। एक बार फिर से देख लें कि एक रेतीली जमीन पर बिखरी हुई कीलों को जो है एकत्रित करने में जो बल प्रयुक्त होता है वह है चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं गुरुत्वीय बल या घर्षण बल, तो क्वेश्चन नंबर सात है और चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर एक, यानी कि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए आपका यह है अगला क्वेश्चन कि आज सूर्य के अपने चरम शीर्ष पर होने के समय से अगले दिन पुनः चरम स्थिति पर होने के मध्य के समय अंतराल का निर्धारण किया जाता है, पृथ्वी पर अपनी अक्ष पर घूर्णन द्वारा या सूर्य के पारित पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण द्वारा या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के झुकाव द्वारा, तो क्वेश्चन नंबर आठ है और आठ का जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है, सही आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठ का विकल्प नंबर, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम अच्छा उदाहरण है तो किसका है, परजीवी का, सहजीवी का, इनमें से कोई नहीं कीटारियों का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राइजोबियम होता है एक अच्छा उदाहरण है, किसका अच्छा उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर बताना है और नौ का यहाँ पर आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर है सहजीवी का, सहजीवी विकल्प नंबर आपका दो यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होगी, तो जीवन में वृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होगी तो कितनी होगी, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, कितनी संख्या होगी, आठ, चार, दो या एक, ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर दस का राइट आंसर बताना है तो 10 का सही आंसर है आपका 8, यानी कि विकल्प नंबर एक आपके यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, बोगेनविलिया परिवर्धित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोगेनविलिया जो है परिवर्धित होता है लेयरिंग या कटिंग, इनमें से कोई नहीं क्राफ्टिंग, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका
क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका दो यहाँ पर कटिंग आपका सही आंसर है। कटिंग जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर दो उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि देखिए प्रबलता ध्वनि कोण खालिस्तान का मापक है। तो प्रबलता ध्वनि कोण जो है, प्रबलता ध्वनि कोण खालिस्तान का मापक है। तारत्व या भारीपन है, अप्रियता या भारीपन या लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर बताइए। चार विकल्प है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है लंबाई। लंबाई विकल्प नंबर 4। प्रबलता ध्वनि कोण लंबाई का मापक है, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि दो अमिश्रणीय द्रव्यों को निम्न विधि से पृथक कर सकते हैं। कौन विधि से, वह कौन सी विधि है जिससे इनको पृथक कर सकते हैं? भाप आसवन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभावी स्तंभन द्वारा या पृथक्कारी एकीप द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का जो सही आंसर है आपका वह बताना है। तो 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी। राइट आंसर विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है पृथक्कारी एकीप द्वारा, यह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी साज की टाइट की गई डोर खालिस्तान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। इनमें से कोई नहीं, समान, निम्न, उच्च, ये चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। किसी साज की टाइट की गई डोर खालिस्तान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो आपका सही आंसर उच्च, उच्च आवृत्ति की ध्वनि यहाँ पर क्या करती है, उत्पन्न करती है। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एन की, देखिए यहाँ पर NH3 में एन की संयोजकता HCl में Cl संयोजकता में कितने गुना अधिक है, यह बताना है। तो कितने गुना अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर है 15। 15 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 3 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन कि सोलर कुकर में निम्न में से कौन से प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर कुकर जो होता है इसमें कौन से प्रकार का जो है दर्पण इसमें उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है क्या है, समतल दर्पण। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का राइट आंसर बताइए। लाइकेन शैवाल तथा खालिस्तान से मिलकर बनी होते हैं। लाइकेन, जो लाइकेन होते हैं शैवाल तथा खालिस्तान से मिलकर बनी होते हैं। कवक जीवाणु, मोसेस, प्रोटोजोया, राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 1 यानी कि कवक। कवक आपका यहाँ पर सब सही आंसर है, बिल्कुल सही। ये जो लाइकेन होते हैं शैवाल और कवक के से मिलकर बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए सूर्य की परावैगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है। तो सूर्य की परावैगनी किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ओजोन। ओजोन विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन कि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, अभिलंब, परावर्तित किरण या आपतित किरण। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 का परावर्तित किरण आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने यहाँ पर बताया उनका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा क्या, हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान तैरती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा क्या है यहाँ पर आपसे, हल्के पदार्थ जो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान तैरती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 4 यानी कि मेल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगर आप MPPSC की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपको यहाँ पर प्री लाइव, यहाँ पर लाइव क्लास भी है, PDF नोट्स भी हैं और यहाँ पर वीकली मेगा क्विज भी आपके लिए उपलब्ध हैं। ये आपका जो बैच है 26 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है, तो इसको आज ही आप ज्वाइन कर लें। लिंक सारे बैच की जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं और रिविजन कोर्स
ढूंढ रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको ये संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स है जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर 270 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन ऑल सब्जेक्ट से संबंधित, और यहाँ पर एमपी के टॉप एजुकेटर हैं। लाइव क्लास है, 60 दिन का है कोर्स है, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो है संकल्प एमपीपीएससी 2020 के लिए, इसमें आपको जो है डाउट क्लियर सेशन होता है। यहाँ पर आपका एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपका जो भी डाउट रहता है भाई आप तक सीमित नहीं रहता है, अब उसका सोल्यूशन भी किया जाता है लाइव क्लास के माध्यम से। यहाँ पर एक और है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति कोर्स है, जिसके माध्यम से यहाँ पर स्वप्न पूर्ति एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 35 दिन का बैच कोर्स है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी मीडियम के माध्यम से लाइव क्लास यहाँ पर है, पीडीएफ नोट्स है और वीकली मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है आपका, 35 दिन का है, तो आज ही आप स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन करें। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, सिलेक्ट यहां पर आपके लिए सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम। इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जो है कोर्स की प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस है, 1 महीने का कोर्स है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये कोर्स है। 10% डिस्काउंट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट पाएं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी परीक्षा को बहुत ही मजबूत बनाएं अनअकैडमी के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अनअकैडमी ऐप की, प्ले स्टोर से आप इसको आज ही डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 में से कितने आपसे सही बने हैं यह आपके लिए कमेंट में बताना है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।